दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप फ्लिपकार्ट में ऑर्डर को कैसे प्री बुक कर सकते हैं। नॉर्मली जब फ्लिपकार्ट में कोई सेल आने वाली होती है उससे पहले फ्लिपकार्ट अपनी कुछ प्रोडक्ट की प्राइस को रिवील कर देता है, दिखा देता है, जिसको आप पहले से ही बुक कर सकते हैं। यानी कि आपको 1 रुपये या फिर 2 रुपये देकर उसको प्री बुक कर लेना है। उसके बाद आपको जो डेट दी गई होती है, जो कि सेल की स्टार्टिंग की डेट होती है, उस डेट पे आपको बाकी की जो रकम है वो पे करनी होती है। आप जब बाकी की रकम पे करते हैं उसी के बाद आपका जो ऑर्डर है वो कन्फर्म होता है। उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट है वो डिस्पैच किया जाता है आपको, उसी के बाद आपका वो जो प्रोडक्ट है वो मिलेगा। दोस्तों इन शॉर्ट प्री बुक के द्वारा आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट जो है उसको पहले से ही सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि वो बाद में आउट ऑफ स्टॉक जो है वो ना हो जाए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कैसे आपको प्री बुक ऑर्डर करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट की ऐप को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आपको एक बैनर शो हो जाएगा, प्री बुक 20 to 21 September। और अगर बैनर यहाँ पर से चला जाता है तो आप इसको स्लाइड करके वापस से भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है गेट गारंटीड स्टॉक एट सेल प्राइस। तो यहाँ पर आपको शॉप नाउ इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको प्री बुक की डेट बताई गई है 20 September और 21 September। आप इन तारीख को प्री बुक कर सकते हैं। और प्री बुक आपको जो भी करना है यहाँ पर आपको काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स शो हो जाएगी। यहाँ पर से आप कोई भी प्रोडक्ट जो है वो प्री बुक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए दोस्तों मुझे कोई शर्ट जो है वो चाहिए, तो मैं यहाँ पर शर्ट पर क्लिक कर देता हूँ। और कोई भी एक शर्ट जो कि मैं एग्जांपल के तौर पर आपको दिखा देता हूँ, मान लीजिए कि मुझे ये जो वाइट वाला शर्ट है वो मुझे चाहिए, जिसको मुझे प्री बुक करना है। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताया गया है प्री बुक में आपको 1 रुपये पे करना है, पे नाउ। अभी आपको पहले सिर्फ 1 ही रुपये पे करना है और यहाँ पर बाकी की आपको 398 रुपीज़ कब पे करना है, पे बैलेंस ऑन 23 September। यानी कि आज डेट हुई है 21 September और 23 September को मुझे बाकी की जो अमाउंट है वो पे करनी है। ये अमाउंट मैं जब 23 September को पे करूँगा उसी के बाद मेरा जो ऑर्डर है वो कंफर्म होगा और उसी के बाद जो मेरा प्रोडक्ट है वो डिस्पैच होगा और मुझे मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो प्राइस दी गई है वो सेल की प्राइस है। अगर आप यहाँ पर ऐड टू कार्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको ज़्यादा रकम पे करनी होगी जो कि हाल में चल रही होगी, लेकिन हमें प्री बुक करना है ताकि हमें इस सेल की प्राइस पर ये प्रोडक्ट मिल सके। तो हमें यहाँ पर प्री बुक इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर से आपको शर्ट की साइज़ को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो कार्ट में ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर से आपको नीचे स्लाइड कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्री बुक वैल्यू है 1 रुपये, हमें पहले 1 रुपये पे करना है। और यहाँ पर हमें टोटल वैल्यू पे करनी है वो है 438, जो कि हमें डिलीवरी चार्ज इंक्लूड करके बताई गई है। अगर आपकी फ्लिपकार्ट प्लस की मेंबरशिप है तो ये डिलीवरी फ्री में हो जाएगी, या फिर आप 500 के ऊपर की कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो भी आपको फ्री डिलीवरी मिल जाएगी। लेकिन हम अभी प्री बुक करने वाले हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर चलिए क्लिक कर देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर से आप जिस भी मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं उस मेथड से आपको पेमेंट कर लेना है। तो मैं UPI के माध्यम से पेमेंट करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर UPI पर चले जाता हूँ और अपना पेमेंट जो है वो डन कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने मेरा जो शर्ट है वो प्री बुक कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे बताया गया है पेमेंट विंडो ओपन्स एट 12 AM 23 September, यानी कि इस टाइम के बाद मैं अपना जो बाकी का ये पेमेंट है वो डन कर सकता हूँ। इस टाइम के बाद यहाँ पर आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है जो कि डिसेबल है, कन्फर्म ऑर्डर वाला, ये इस टाइम के बाद ओपन हो जाएगा। यानी कि इस टाइम के बाद आपको यहाँ पर कंफर्म ऑर्डर पर जाना है और आपकी जो बाकी अमाउंट है ये वाली ये आपको पे कर देनी है। उसके बाद आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद ही आपकी जो चीज़ है, आपकी जो प्रोडक्ट है वो डिस्पैच होगी और आपको मिलेगी। और दोस्तों अगर आपको ये ऑर्डर कैंसिल करना है तो आप इस ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हैं। दोस्तों चिंता की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप जब अपना ऑर्डर कैंसिल करेंगे तो आपका जो 1 रुपये है जो कि आपके अकाउंट से कटा है वो वापस से 6 या फिर 7 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक और बात बताई गई है, अगर आप इसको पे करने में फेल हो जाते हैं तो आपका ऑर्डर जो है वो ऑर्डर कैंसिल
हो जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, हमने बात कर ली कि आपको कैसे प्री बुक ऑर्डर करना है। प्री बुक आप 1 रुपये से कर सकते हो कि जो अमाउंट है यहाँ पर आपको जो तारीख और जो टाइम दिखाई दे रहा है उस तारीख को उस टाइम के बाद आपको कभी भी पे करनी है। उसके बाद आपका जो ऑर्डर है वो कन्फर्म होगा, उसी के बाद आपका जो प्रोडक्ट है वो वहाँ से डिस्पैच होगा और आपको मिलेगा। अगर आप ये अमाउंट पे नहीं करते हैं तो आपका जो ऑर्डर है वो कन्फर्म नहीं होगा और आपको आपका जो ऑर्डर है वो मिलेगा भी नहीं। और दोस्तों अब साथ ही साथ हम ये भी जान लेते हैं कि अगर आपको आपका कोई ऑर्डर कैंसिल करना है प्री बुक वाला तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस ऑर्डर्स के ऊपर चले जाना है, यहाँ पर आपको एक कैंसिल का ऑप्शन भी शो हो रहा है, तो यहाँ पर मैं कैंसिल पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ आपको कैंसिल ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर से आप कोई भी रीज़न डाल सकते हैं कि आप क्यों ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर से आप कोई भी रीज़न डाल दीजिए कि आप क्यों ये ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ आई हैव चेंज्ड माई माइंड, और यहाँ पर से कॉमेंट में आप कुछ भी XYZ कुछ भी आप टाइप कर दीजिए और यहाँ पर आपको सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको बताया गया है रिफंड स्टेटस, 1 रुपीज़ विल बी ट्रांसफरड विथ इन 8 बिजनेस डेज, यानी कि अगर आप यहाँ पर से जैसे ही ऑर्डर कैंसिल करते हैं तो आपका जो 1 रुपीज़ है वो 8 दिन में आपके अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देता हूँ और कुछ इस तरह आप अपना ऑर्डर भी कैंसिल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर